नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मऊ से अपडेट है, शिवपाल सिंह यादव ने डीएम से मुलाकात की है। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह मुलाकात हुई है, तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की यह बड़ी खबर है। डीएम से मुलाकात की है, घोसी विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग उठाई है। घोसी उपचुनाव में बहुत शिकायतें मिली है। शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कहा गया, हमारी यही मांग पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव हो। लोगों को धमकाने का शिवपाल यादव ने लगाया आरोप। डीएम अरुण कुमार ने शिवपाल यादव को आश्वासन भी दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिलाधिकारी से मिलना बहुत हम लोगों को जरूरी हो गया था। पूरी तरह से बहुत सी शिकायतें भी थी, तो हम लोगों ने तो यही मांग रखी है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, और जिम्मेदारी भी होती है जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान की, पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है। निर्वाचन के अधिकारी होते हैं, डीएम जिलाधिकारी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए।